वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं दुआ करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक हो, खुश और मज़े में हो। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, हमें कंप्लीट देखना है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपसे बहुत सारी बातें भी करना चाहती हूँ। और सबसे पहले तो मैंने जहाँ से अपना लास्ट व्लॉग ख़त्म किया था वहीं से शुरू कर रही हूँ। तो ये हमने ब्रेड पार्सल जो बनाए थे मज़ेदार से, इसकी रेसिपी आई थिंक आपको ज़रूर पसंद आई होगी, बहुत टेस्टी बने थे ये। आपने अगर नहीं देखी तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और ज़रूर बना के आपने अपनी फैमिली को खिलाना, बहुत ही टेस्टी बने थे। बहुत क्रिस्पी हैं अंदर से, इतने सॉफ्ट हैं ऊपर से बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार। इसके साथ जो हमने ये अपने मज़ेदार से रोल बनाए थे, ये दोनों चीज़ें मेरी जो थी ना हो गई थी अच्छे से। इनको मैंने फ्रीज़र में रखा था और इसको मैं जो इनके कंटेनर्स में डाल के रख रही हूँ। और आप जैसे कि मैंने बताया था कि सारी जो ये तैयारी है ना, ये मैं अपनी इफ्तार दावत के लिए कर रही हूँ। और इफ्तार दावत का भी मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस दिन मैंने रखी है। उसको थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया, मैंने तो शुरू में ही कर लेनी थी, थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया कि डिफरेंट रीज़न है। एक तो तहिरा के एग्ज़ाम चल रहे थे, मेरा था कि वो अपने एग्ज़ाम जो है कंप्लीट कर लें और देन फिर हम इफ्तार पार्टी रखें, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा काम का बर्डन भी होता है, बच्चों की जो होता है ना ध्यान, वो भी पढ़ाई में इतना नहीं वो फोकस कर पाते। तो पहले स्टडी थी, अभी माशाल्लाह काफ़ी दिन है, तो मैंने सोचा कि अपने एग्ज़ाम से फिनिश कर लेंगी तो देन हम लोग अपना जो है ना ये सेलिब्रेशन जो है माशाल्लाह से करेंगे, इफ्तार पार्टी करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ज़रूर दुआ करना है कि तहिरा के जो एग्ज़ाम हो गए हैं वो बहुत अच्छे हुए हों और अल्लाह ताला उसको बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे। थैंक यू सो मच, आप ज़रूर दुआ कीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और यहाँ पर जो है ना, मैंने अभी सारी तैयारी कर ली है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। सारी जो स्नैक की आइटम्स हैं ना वो मैंने सारी प्रेप करके रख ली हैं। अब बस ये है कि मैंने इनविटेशन भी दे दी है सबको कि कौन कौन आ रहा है, मैं भी आपको बताती हूँ। अपनी तरफ से तो मैंने बड़ा अच्छा सोचा है, बड़े अच्छे तरीके से अरेंज करने का सोचा है। और जो जो इतने मतलब कि 2 सालों में हम लोग इफ्तार पार्टीज़ नहीं करवा सके हैं, तो मैं सोचा कि सबको ही बुलाऊँ। और यहाँ पर साथ साथ मैं आपको चीज़ें भी दिखाती जाती हूँ। मैंने यहाँ पर रोल बना के रखे हैं, रोल जो है मैंने 2 तरह के बनाए हैं, मैंने अक्सर रेसिपीज शेयर भी की हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने चिकन जो है ना, ये चिकन चीज़ बन भी बनाए हैं, बहुत ही टेस्टी। ये सारी प्रेप जो है ना चिकन चीज़ बन की ये तहिरा ने ही की अकेली, और डो भी उन्होंने ही बनाई थी और फीलिंग भी बहुत अच्छी उन्होंने खुद ही बनाई थी। इसकी रेसिपी अभी मैंने शेयर नहीं किया है, मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी आपके साथ। तो आप ये आम रूटीन में बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आम इफ्तार में ही बनाना है, ये तो किसी दिन भी आप चाय के साथ बना सकते हैं। तो इसके अलावा मैंने यहाँ पर 2 तरह के जो है ना रोल बनाए हैं और चिकन चीज़ बन बनाए हैं और ब्रेड पार्सल बनाए थे हमने। इसके अलावा जो है ना वो मैंने हार्ट शेप के भी एक पफ पेस्ट्री, जिस ना चिकन पैटिस होते हैं ना उसका, कि मैंने हार्ट शेप को के पैटिस बनाए हैं। और इसके अलावा चने वगैरह मैंने बॉयल करके रखे हैं और कीमे के समोसे बनाए हैं हम लोगों ने। चने इसलिए मैंने बॉयल किए हैं, आप बताइए किसी चीज़ में भी काम आएंगे। मैंने फ्रूट चाट अगर बनाई या चना चाट बनाई तो उसमें ये मैं यूज़ करूँगी। चिकन को भी मैंने मसाला वगैरह लगा के रख लिया। ये चटनी वगैरह बनाई है 2-3 तरह की, खजूर की, आलू बहाड़े की और पुदीने की, यही 3 जो होती है ना बेसिक यूज़ होती हैं। तो माशाल्लाह से ये कीमा समोसा भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बना लिए थे। इसकी रेसिपी भी मैं आज आपके साथ शेयर ज़रूर कर दूँगी, बहुत ही मज़ेदार ये भी तैयार होते हैं। और आपको पता है जो जो चीज़ें मैंने बनाई हैं ना वो मैंने एक एक दो दो टेस्ट घर में सबको करवा ली हैं, ताकि बस वैसे अब ताकि ये जो है ना टेस्ट हो जाए कि कैसा बना है। क्योंकि सारा माशाल्लाह से पूरा दिन तो रोज़ा होता है और फ्लेवर वगैरह का कुछ समझ नहीं आ रही होती है, टेस्ट आप फिर जब इफ्तार होते हैं देन ही कर पाते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा बना है। इसके अलावा मैंने 2-3 तरह के जो कबाब भी बना कर रखे हैं और वो भी मैंने आपसे शेयर की थी उसकी रेसिपीज़। अगर नहीं आपको मिली है तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी जिस चीज़ को चाहिए होगी। तो माशाल्लाह से ये है मेरी जो मैंने स्नैक अपनी दावत में रखने हैं वो हैं। और इसके साथ साथ सहरी का टाइम हो गया था और सहरी में आज मेरा बिल्कुल भी ना दिल इतना हास कुछ नहीं कर रहा था खाने को, तो मैंने तो अपने लिए सिर्फ ना चाय और ब्रेड और मैंने कहा था साथ में कोई केक रस वगैरह ले लूँगी। और बच्चों ने आज चाय नहीं पिया है और अभी के लिए भी चाय नहीं बना, सिर्फ मैं अपना कप एक बना रही हूँ चाय का, क्योंकि सबको मैंने साथ जो है ना लस्सी बना कर दी थी वो, क्योंकि सबका गर्मी की वजह से, चाहे हम कनाडा में वेदर अभी भी स्टिल बहुत ठंडा है लेकिन पानी इतना ज़्यादा पिया नहीं जाता, घर में हीट ऑन होती है तो जो है ना काफ़ी घबराहट वगैरह भी होती है, प्यास भी लगती है। तो अब सबके जो है ना होंठ के पास दाने निकले थे गर्मी की वजह से, तो मैंने कहा आप लोग बेटा चाय पीनी अवॉइड करो, आप दूध और दही का इस्तेमाल ज़्यादा किया करो। तो बस मैंने उनके लिए वो बनाई है
अपने लिए मैंने मदद हार दी जो है ना, चाय बनाई। मेरा तो चाय का कोई गुजारा नहीं है, और मतलब कि आपको पता है जिसको चाय पीने की आदत हो ना, वो तो रूटीन में चाय पीता है, तो बस सैडी में ही चाय पीनी होती है, या कभी कभी ऐसा तक इफ्तार के बाद बहुत थकावट महसूस होती है, एकदम से जिसम डल हो जाता है, तो आप उस वक्त भी चाय वगैरह बना लेते हो। तो यहाँ पे मेरी चाय रेडी हो रही है सबको, मैंने इस वक्त जो है ना सहरी दे दी अपना, मैं सबसे एंड पे बना रही थी, क्योंकि पहले मेरा भी मूड हो रहा था कि मैं चाय बनाऊँ या ना बनाऊँ मैंने अपने लिए, फिर मैं सोचा कि लस्सी बना ली ना, फिर बहुत नींद आएगी और सुस्ती भी मुझे बहुत हो जाती है उसके साथ। खैर यहाँ पर चाय तैयार हो रही है, तो मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ कि मैंने और क्या सोचा अपनी दावत के बारे में। तो एक तो रीज़न थी कि हीरा के एग्ज़ाम में सोचा थी फिनिश हो जाए, दूसरा स्केड्यूल भी देखना था, जिन जिन को इनवाइट करते हैं उनका स्केड्यूल भी मैच होना चाहिए, और ज़्यादातर यहाँ पर जो होता है ना वीकेंड ही ऑफ होता है लोगों का, अक्सर लोग वीकेंड पर भी काम करते हैं, तो सबको देखना था, जो जो फैमिलीज़ को मैं बुला रही सबसे पूछना था कि उनका क्या मतलब कि दिन उनके लिए बेटर है। है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने से सबको देख के दिन मैनेज करके इनविटेशन दे दिए हैं, और मैं अपने इस सारे इन लॉस को भी बुलाना चाहती थी जो पाकिस्तान में भी रहते, दिल करता कि वो भी आएँ, लेकिन खैर वो तो मजबूरी है कि वो नहीं आ सकते हैं। तो पर बहुत दिल करता है कि आप जब परदेश में रहते हो ना, तो आपके सारे आपके बहन भाई सारे माँ बाप जो हैं वो सारे शामिल हों, लेकिन इन सब परदेश में बहुत मुश्किल है, लेकिन जो जो आ सकते हैं मैंने उन सबको बुलाया है, तो अब देखेंगे कौन कौन आता है। आपको पता है मेरी जो सिस्टर इन लॉ अमेरिका में रहती हैं, उनको भी मैंने इनविटेशन दिया कि वो भी ज़रूर आए, वो आ जाती है ना बड़ी हैं, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है कि लगता है सबकी कमी पूरी हो गई है, तो अक्सर वो आ जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं उनको बुलाती हूँ तो आ जाती हैं, लेकिन ये 2 साल हो गए हैं नहीं आ सके, आपको पता है बॉर्डर बंद थे और कोविड की वजह से बहुत मुश्किल हो रही थी, तो खैर मैंने उनको इन्विटेशन दिया, उनका स्केड्यूल भी देखा है, अगर लेट्स सी कि अब क्या होता है, वो क्या प्लान करती हैं, तो आपका सारा कुछ शेयर करूँगी अपने आने वाले 1-2 दिन के व्लॉग में। तो यहाँ पर जो है ना साथ साथ बच्चों ने आज बनाए थे कुकी, मैंने फ्रीज़र में काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं, मुझे जगह भी चाहिए थी, ये चार कुकी पड़े हुए थे, तो मैंने कहा बेटा ये आप इसको बनाकर जो है ना फाड़ा करो, छोटे छोटे पैकेट्स पड़े हुए थे, और 1-2 चीज़ें और भी मैंने निकाली हैं जो कि आज हम लोग इफ्तारी में यूज़ कर लेंगे। पहले वाले कबाब भी पड़े हुए थे, वो भी मैंने निकाले हैं कि आज आप लोग ना यही वाले बर्गर बन बना लो और हम लोग आज इसी इफ्तार कर लेंगे। तो ये चॉकलेट चिप कुकी जो है आपको पता है ये कॉस्को से मिल जाता है, बड़ा अच्छा बॉक्स है इसका, तो ये जब बच्चों को चाहिए होता है ये खुद ही बेक कर लेते हैं, और जितने चाहिए होते हैं फ्रेश ही बेक करके, तो ये लोग बच्चों को इन्जॉय कर लेते हैं। और इसके अलावा क्या था, और मैंने बताना आपको कि जो मैंने फूड प्रेप करनी है वो मैंने उसके लिए सारा सामान आ गया है, बस जो था ना मीट रह गया था, वो मीट चिकन का मीट हाथ पर रह गया था, वो आज अभी ले आया है, और मैंने उसको भी अभी क्लीन करके, यहाँ पे आप पता है कि इतना हाथ क्लीन नहीं हुआ था, अक्सर जो होता है ना वो उसकी स्किन पील करने वाली होती है, तो वो मैंने करके रखी है आज, क्योंकि बच्चों को मैंने इफ्तार का काम सौंपा था कि आज आप लोग बर्गर वगैरह आप लोग खुद बना लेना। मसाले जो है मैंने सारे बॉटल जो है फिल करके रख दी है, ताकि सारे खानों में ये सारे बेसिक जो मसाले यूज़ होते हैं ये वाले जो है ना इस्तेमाल होते, तो मैंने इनकी सारी बॉटल्स को फिल कर दी है। सॉल्ट मेरा हतम था, वो बस मुझे जानना क्या था आया कि सॉल्ट हतम है, तो मैंने अभी से कहा लिस्ट जो मैं बना रही हूँ साथ साथ उसमें मैंने लिखा कि आपने ये चीज़ लानी है, हालांकि मैं उस दिन ग्रोसरी करने गई थी, सारी चीज़ें अब तेज से लेके आई हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको टाइम पर याद नहीं रहती हैं और टाइम टाइम पर याद आती हैं। अभी मैं आपको वेदर दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा अभी भी ठंडा है, यहाँ पर स्नो पड़ी है, अभी 2 दिन में मुसलसल स्नो पड़ती रही है, और काफ़ी अच्छा ठंडा मौसम हो गया था। यहाँ पर मैंने क्या सोचा कि आपके साथ कीमा समोसा जो मैंने बनाए थे उसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर कीमा लिया मैंने चिकन का, ये 1 kg की है कीमा है, इसके अंदर मैंने बस दो, आपने पता है कि समोसों के जो कीमे के समोसे होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना चाहिए फिलिंग में खास तौर पे, तो मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, इसके अंदर मैंने कीमा डाला है, लहसुन डाला है, इसको मैंने अच्छे से जो है ना बस अभी मसाले सारे मसाले डालकर मैं इसको कुक करने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ मसालों में मैंने 1 kg कीमे के अंदर डाली है सूखा धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून डाल दिया मैंने, हल्दी 1 टीस्पून डाली है, ज़ीरा जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून डाला है,
रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून डाली है, और रेड चिली पाउडर जो है वो भी मैंने 1 टेबल स्पून ऐड की है। सॉल्ट जो है वो भी टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा नहीं होता, नॉर्मल सा स्पाइस आप सॉरी सॉल्ट रखे फ्लेवर। तो यहाँ पर तकरीबन 2 टी स्पून मैंने नमक इसके अंदर डाला है कि फ्लेवर का, अब जब तक आप होता है चखेंगे नहीं पता नहीं चलेगा। तो हल्का माइल्ड भी हो तो चल जाता है, क्योंकि हमने इसको केचप वगैरह के साथ ही खाना होता है। मैंने थोड़ी सी इसके अंदर अजवाइन भी डाली है, और बस ये सारे मसाले बेसिक से जो घर में मिलते हैं ये सारे डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और कीमे के अंदर जो पानी निकलेगा उसी के अंदर आपने इसको बस गला लेना है जल्दी से। कीमा आप होता है ये गल जाता है, कीमे का पानी अच्छे से ड्राई हो गया, यहाँ पे सारे मसाले भी जो कच्चापन है उसका ख़त्म हो गया, और कीमा भी गल चुका है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 छोटी छोटी ग्रीन चिली बड़ी बड़ी चॉप करके डाली है, ये ऑप्शनल आप डालना चाहें तो डालें, मैं डालती हूँ क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा स्पाइस एक्स्ट्रा खाया जाता है। तो मैंने थोड़ा इसमें ग्रीन चिली डाली है, 3-4 बस चॉप करके डाली है। खैर मैंने फिलिंग इस तरह की तैयार की है कि सबके लिए जो है ना वो खाई जा सके। ये तो आपका छोटे कीमे के समोसे जब आप बनाते हैं तो थोड़ी थोड़ी सी फिलिंग डलती है इसके अंदर, तो इतना ज़्यादा स्पाइस का एहसास भी नहीं होता। तो इसके अंदर साथ ही हमने जो है ना हरा धनिया डालें, 1 मुट्ठी भर के आप डालें, और मैंने यहाँ पर जो है फ्रीज़ करके रखती हूँ तो मैंने फ्रोज़न डाला है। ये डालने के बाद हमने यहाँ पर ना जनाब जी प्याज लेना है, और तकरीबन मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज जो है ना वो मैंने जैसे ऑमलेट को कट करते हैं उस तरह मैंने काट के रख लिए हैं, और वही बस इसके अंदर एंड पे हमने ऐड करनी है। धनिया डाल के भी इसको अच्छे से मिक्स कर ले। फ्लेम जो है ना आपने इस वक्त मीडियम टू हाई रखनी है, क्योंकि कीमे के अंदर जो सारा पानी है ना वो आपने अच्छे से ड्राई करना है, क्योंकि फिलिंग के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए ना कीमे समोसों के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि ऑयल बिल्कुल इसमें माइनर सा मैंने डाला था, और सारे मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद अब जो प्याज मैंने चॉप करके रखा था वो भी मैं डाल दूंगी, और प्याज को जब आप चॉप करके डालेंगे तो बस उसके बाद आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से बस स्टर करना है, और आपकी जो मज़ेदार सी ना फिलिंग तैयार हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन जो है ना सोचा था कि ये मेरे तकरीबन कोई मुझे मैं चाह रही थी 60 समोसे तैयार हो जाएं, और इस फिलिंग से मेरे 60 समोसे तैयार हो गए थे, और थोड़ी फिलिंग मेरी बच भी गई थी। समोसा शीट्स जो थी वो मैंने मार्केट से बाय की हैं, और इसकी फिलिंग जब ठंडी हो जाए तो इसको फिर हम लोगों ने इफ्तार करने के बाद बैठकर जो हम लोगों ने समोसे तैयार किए थे, और उसके बाद मैंने इनको ट्रे में अरेंज करके फ्रीज़र में रख दिया था। जब थोड़े से ये जम गए थे, थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, फिर उठा के आप इसको जिपलॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर लें, और तकरीबन 2 से 3 घंटे जो है ना मैंने इनको फ्रीज़र में रखा था ट्रे को, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे तैयार। मैंने अभी आपको शुरू के क्लिप में दिखाया भी है कितने प्यारे क्यूट से लग रहे तैयार हो। ये देखें माशाल्लाह फीलिंग तैयार हो गई है, अब थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। तो देन वैसे भी अभी इफ्तार का टाइम हो चुका था, तो हमने सोचा था कि इफ्तार के बाद आराम से बैठ के ना, क्योंकि छोटे समोसे हैं तो इनको टाइम लगता है ज़्यादा बनाने में, तो बाद में बनाएंगे। तो आज इफ्तार के अंदर हम लोगों ने इसे क्योंकि सारा दिन बहुत छोटे छोटे कई काम किए हैं, तो मैंने सोचा कि ये जो पहले वाले मैंने कबाब बना के रखे थे उनको मैंने फ्रीजर से निकाला है, और उसके हम लोग आज बना रहे हैं बर्गर। और ये जो बर्गर है ना कबाब जो है ये मैंने बनाए थे बीफ और दाल के, इसके साथ हम लोगों ने फ्रेश कट जो है ना फ्राइज़ बनाए। फ्रोज़न फ्राइज़ भी मेरे पास पड़े हुए थे, लेकिन अभी ने कहा कि सामा फ्रेश वाले आलू के काट के बनाओ, वो बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सिंपल से फ्राइज़ बनाए हैं, इस कोई कोटिंग वगैरह ऊपर नहीं की है, और बस हम सब का यही डिनर है और यही इफ्तार है। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर किया करें। यहाँ पर जो है ना एंड पे जो फ्राइज़ हैं इनके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करें और इंजॉय करें। साथ में इसके मैंने बना लिया था दूध, और दूध के अंदर डाला था मैंने रूह अफ़ज़ा, ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा था, और चाट मसाला अगर किसी को ना पसंद हो तो खाली सॉल्ट भी डाल के तो इंजॉय कर सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइज़।